बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख आतिफ गलील। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। आपको रमज़ान सीरीज़ के न्यू एपिसोड में वेलकम करते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूं जी क्लिस्टो मार्की में, और यहां पे आज हम करेंगे जी इफ्तारी। यहां पे इफ्तार बुफे लगते हैं और यहां पे जो मेन्यू है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम जाते हैं अंदर, जाके आपको जो है ना इनका एनवायरमेंट दिखाते हैं, उसके बाद इनके मेन्यू के बारे में बताते हैं, इनके जो भी चार्जेस हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। चले हमारे साथ। पर ये आ गए जी हमारे वकास भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आकिब साहब भी आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, सुहेल अजीज। सुहेल अजीज। अच्छा सुहेल भाई, मुझे बताएं कि इफ्तारी में आपके पास क्या क्या मेन्यू है, कितनी डिशेज होती हैं और क्या होता है इफ्तारी में? हमारे पास जो है ये हमारा ब्रोशर है। ठीक है, दिखाइएगा। ठीक हो गया। जो इफ्तार के आइटम्स हैं उनमें हमारे पास ये 13 आइटम्स हैं। ठीक है, ये सारे मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो हम डिनर है हमारा, ठीक है, डिनर के आइटम्स हैं सारे। ठीक है, यहाँ तक सारे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा किड्स कॉर्नर में हमारे पास कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न, ये दूसरा स्टॉल वगैरह। ठीक हो गया, सही है। तो ये आपके कितना अर्सा हो गया ये, मतलब कि आप लगाना, ये फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम बता? ये हमारा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम लगाया था। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? माशाल्लाह जी अच्छा था, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। अच्छा फीडबैक जो है, इंशाल्लाह इस दफा भी अच्छा ही है। ठीक है, ये जी इनका डाइनिंग एरिया और तैयारियां जोरों शोर से जा रही हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह बुफे लग जाएंगे और यहाँ पे बैठेंगे और इंशाल्लाह इफ्तारी करेंगे जी। फ्रेश फ्रेश पॉपकॉर्न्स बन रहे हैं, चॉकलेट्स, ये कितनी देर में पक जाएंगे? 15 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जी गोलगप्पों का सेटअप लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं गोलगप्पे इनके, जो सेक्शन है सारा ये आइसक्रीम का है, ये आप देख सकते हैं सारा आइसक्रीम जो है ना लगी हुई है, डिफरेंट जो है ना फ्लेवर्स में आपको आइसक्रीम मिल जाती है। बताएं सर, ये चिकन विंग्स आ गई हमारी। और उसके बाद ये सेकंड पे जो है ना हमारे पास आ जाता है ये ढाका चिकन। ढाका चिकन आ गया जी। ठीक है, थर्ड पे हम आते हैं और ये वेजिटेबल रोल्स आ गए जी। और उसके बाद ये पकोड़े और पकोड़े, माशाल्लाह आलू के पकोड़े, ये दूसरे प्याज वाले पकोड़े। गुड। उसके बाद ये हमारे पास समोसे आ गए जी। ठीक है, और ये सैंडविचेस आ गए, और ये दही भले या चना चाट है? दही भले आ गए, और ये फ्रूट चाट आई थिंक सो। ये फ्रूट चाट आ गया जी। मुझे ये बताएं डिनर का आपका क्या सीन होता है, नमाज के बाद लगाते हैं डिनर? डिनर का नमाज के बाद होता है, उसके अलावा जो हमारे ड्रिंक्स वगैरह हैं और डेट्स और फ्रूट वगैरह जी जी, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, चलें तो करते हैं जी आपका, ट्राई करते हैं यहाँ पे जो है ना इफ्तारी करते हैं। सब लोग इफ्तारी ले लें, इफ्तारी का टाइम हो गया है। इफ्तारी लेके आ गए भाई, ये फ्रूट्स आ गए, कमाल। चलें अभी हम अपनी इफ्तारी लेते हैं। इफ्तारी हमने ले ली है जी, और अभी अपने सीट पे जाते हैं और जाके दुआ वगैरह करते हैं और रोज़ा खोलते हैं। हमारी जो है ना इफ्तारी आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट्स, उसके बाद जो है ना डिफरेंट जो है ना दही भले चटनी, उसके बाद डेट्स, फ्रूट चाट, सूप, और उसके बाद ये डिफरेंट किस्म की जो है ना ये जूसेस वगैरह पड़े हुए हैं, और ये जो है ना मिंट मार्गरिटा, ये क्या बात है। थोड़ी देर में इफ्तारी होने वाली है, इफ्तारी करते हैं। अरे का टाइम हो गया जी, शेख साहब ने खोले पूरा खोले। पहले ट्राई करते हैं जी पकोड़े इनके, आलू के पकोड़े। ये जो चिकन विंग्स भी इनकी आ गई, क्या बात है, ये चिकन विंग्स हैं। हमने ये पिया था ऊपर मनाल में, वाह। और ये आ गया जी हमारा मिंट मार्गरिटा, फ्रूट की क्वालिटी भी माशाल्लाह बहुत ही
साफ सुथरा फ्रूट और धुला हुआ और साफ सुथरा फ्रूट आप। चले जी फटाफट इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी करके नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद डिनर भी हमने करना है और ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। चले इफ्तारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी हो गई है और अभी सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज, नमाज के बाद जो है खाना वगैरह खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ ली है और अभी जो है ना इनका डिनर लग रहा है और डिनर मेन्यू आपको दिखाते हैं। सैलड वगैरह आ गए हैं, बिरयानी आ गई, चिकन बिरयानी आ गई, उसके बाद ये वेजिटेबल फ्राइड राइस, मटन आ गया, मगज़ आ गया, चिकन वाइट कढ़ाई, दाल मखनी, मंचूरियन, पालक पनीर, चौमिन ठीक हो गया, ये आ गया चिकन कैंडी आ गया, उसके बाद हमारे पास कबाब आ गया, हरियाली रोटी ठीक हो गया, फिश और उसके बाद नान वगैरह आ गया, ठीक आ गया इनका सारा। और इसमें गुलाब जामुन, जलेबियाँ, उसके बाद ये जो है ना डिफरेंट जो है ना आप डेजर्ट देख सकते हैं, खीर भी है माशाल्लाह, पेस्ट्रीज वगैरह हर चीज़ लगी है, सही गुड हो गया है ना, यूनिक सेटअप लगा हुआ है माशाल्लाह। और ये आप देख लें लाइव जो है ना चप्पल कबाब का सेटअप लगा हुआ है, ये चप्पल कबाब है इधर, मतलब जो आपको ऑर्डर करते हैं आप वो फिर बना के देते हैं ऐसे ही, ठीक हो गया जी। ये चप्पल कबाब और ये टका टक चलें जी, खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खा के यहाँ के टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है, कितने से लेके कितने बजे तक जो है ना आप इसको करते हैं? सर इफ्तारी मगरब के टाइम पे शुरू होती है, ठीक है, और अनटिल जब तक मतलब के 11:30 तक, मतलब कि आप स्टिल ये आपका चलता रहेगा, ठीक हो गया, काफ़ी टाइम ज़्यादा आपने दिया हुआ है माशाल्लाह, ठीक है, फ्री है सर, चलें खिदमत करें लोगों की हैं, बहुत शुक्रिया। इतने का टाइम हो जाता है जी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जो है ना सारी ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे जी फिश, एक यार चप्पल कबाब दे दें आप, जो भी छोटा सा होता, बड़ा नहीं छोटा वाला एक डाल दें इधर, हाँ छोटा वाला इधर साइड पर रख दें, शुक्रिया। प्लेट हमारी तैयार हो गई है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद फिर आपको बताएंगे, अभी खाने को थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे जी चप्पल कबाब, ये आप चप्पल कबाब देख सकते हैं गर्मा गर्म फ्रेश लगा हुआ है, और इसको भी हम चटनी के साथ लगाएंगे ऐसे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये भी हम खाएंगे, वाह। और ये इनका सीख कबाब है, ये भी अभी हम ट्राई करेंगे, बिस्मिल्लाह, वाह गुड। थर्ड पर आ जाती है जी फिंगर फिश, ये फिंगर फिश आप देख सकते हैं जूसी जूसी जो है ना, खाते हैं खा के टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह मार। खाने की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, और काफ़ी जो है ना वेल इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और ना इतना एक्स्ट्रा ऑयल आपको देखने को मिलता है, मसाला भी अवर नहीं है, हर चीज़ लेवल में, और बड़े मज़े की है। खाने का टाइम हुआ जाता है, शेख साहब थोड़ा थोड़ा लें सब कुछ, एक खीर रखने, क्या बात है शेख साहब की, बस 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 बहुत हो गया, बस 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 ये खाएंगे जी गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया आपका, बड़ी अच्छी इफ्तारी थी और डिनर भी बड़ा अच्छा था, और बड़ा जो है ना अच्छा इन्वायरमेंट था, रावलपिंडी में आप इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं और बड़ा मज़ा आया। सोहेल भाई से रब्ता करके यहाँ पे आए हैं, और जितनी भी डिटेल है इंशाल्लाह आपको सोहेल भाई बता देंगे। तो इनकी टाइमिंग है इफ्तारी से लेकर रात 10 बजे तक जो है ना इनका बुफे लगे होते हैं, आप आएँ फैमिली लेके आएँ, बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, और जो है ना बहुत शुक्रिया सर आपका, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।